विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। हे नारायण के अवतार प्रभु नरसिंह, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, आपने तो सृष्टि को एक महापापी के प्रकोप से सुरक्षित किया है, आप स्वयं ही सृष्टि को संकट में क्यों डाल रहे हैं? प्रभु कृपया स्वयं पर नियंत्रण पाकर रोक दीजिए विनाश की लीला। हे प्रभु, आपने पूर्व में जो महादेव के साथ निहित किया था, उसके अनुसार ही मैं आपको यहाँ आपके बढ़ते हुए क्रोध का आभास कराकर शांत होने के लिए प्रेरित हेतु उपस्थित हुआ हूँ। समय प्रभु के नरसिंह अवतार को समझा के शांत करना असंभव के समान है। अपितु वीरभद्र जी के पास उनका सामना करने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं है। कदाचित आपको रोकने के लिए मुझे शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। प्रभु नरसिंह और वीरभद्र जी एक दूसरे के स्पर्श किए बिना ही एक दूसरे से दूर चले गए, क्योंकि उनकी ऊर्जा उनसे पूर्व ही आगे पहुंच जाती है। ये उनकी ऊर्जाओं के टकराव का परिणाम था। देवराज इंद्र, हे नरसिंह अवतार, मुझे आप पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने के लिए विवश मत कीजिए, कृपा करके शांत हो जाइए। मुझे ज्ञात था वीरभद्र स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे, वो तो महायुद्ध के लिए तत्पर दिखाई दे रहे। मैं आपके चारों ओर अपने शस्त्र से ऐसा चक्र उत्पन्न कर दूंगा कि जिससे आप जब तक शांत ना हो जाएं कहीं भी प्रस्थान ना कर सके। Woo!
इन्होंने तो मेरे शस्त्रों को ही नष्ट कर दिया। जब उनके अस्त्र ही नष्ट हो गए तो वीरभद्र जी प्रभु नरसिंह को कैसे रोकेंगे? क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैंने संवाद स्थापित कर आपको रोकने का प्रयास किया, किंतु फिर भी आपके मार्ग को बाधित करने की मेरी चेष्टा को आपने असफल कर दिया, इसलिए अब मेरे पास कोई अन्य विकल्प शेष नहीं। प्रभु मेरा अनुरोध सुनिए, लौट आइए अपने स्वाभाविक रूप में। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं प्रभु, अपने क्रोध का परित्याग कीजिए। अधर्मी और उसके अधर्म को तो नष्ट कर चुके हैं प्रभु, अब इस सृष्टि को भी अपने क्रोध से मुक्त कीजिए। मेरी गुहार सुनकर शांत होने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दोनों ही समान शक्ति संपन्न हैं, किंतु प्रभु नरसिंह सिंह रूपी पशु के समान आक्रामक शक्ति रखते हैं और उसके साथ साथ उनमें मनुष्य की सारी क्षमताएं भी हैं। इसलिए प्रभु वीरभद्र इतने सामर्थ्यवान होने पर भी प्रभु नरसिंह को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। किंतु इसके पूर्व की समस्त सृष्टि का स्थायी अहित हो जाए, उन्हें रोकना अति आवश्यक है। अब सभी ग्रह धधकते लावा से गिर जाएंगे और सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु नरसिंह में पशु और मानव की शक्ति का मिश्रण है, उन्हें तो कोई ऐसा ही दिव्य योद्धा रोक सकता है जिसमें पशु मानव और पक्षी की शक्ति का अद्भुत समन्वय हो। पशुत्व की भावना व्यक्ति को अनियंत्रित करती है तो पक्षी का स्वभाव अपेक्षाकृत
अधिक शांत करता है। शिवम नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भस्त के हो कष्ट ते निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से जिव ही है उभारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अद्भुत दिव्य योद्धा कौन है जिनके समक्ष प्रभु नरसिंह और वीरभद्र जी के विराट स्वरूप भी छोटे प्रतीत हो रहे हैं? विशाल पंख सिंह स्वरूप सर्प का पुकारता, विचित्र रूप था लिया ये शर्व अवतार का। नरसिंह के अहंकार को आसन बना दिया, जगत का बार बार है कल्याण शिव जी ने किया। ये तो स्वयं महादेव के सर्वाधिक उग्र शरभ अवतार हैं। ये प्रभु शर्वेश्वर है। प्रभु शर्वेश्वर, प्रभु शर्वेश्वर, प्रभु शर्वेश्वर। प्रभु शरभ प्रभु नरसिंह के समक्ष थे, अर्थात प्रभु महादेव और श्रीहरि नारायण परस्पर संघर्ष हेतु एक दूसरे के सम्मुख आ गए थे। किंतु लंकेश, ऐसी महान शक्तियों के संघर्ष से सृष्टि पर छाया संकट कहीं और तो नहीं बढ़ गया था? क्योंकि प्रभु नरसिंह की क्रोधाग्नि के प्रभाव से सृष्टि तो पूर्व से ही महासंकट में थी। Thank you.
वो सर्प के पंख फैलाने मात्र से समस्त ग्रह अपनी दिशा से भटक कर दिशाहीन हो गए। नरसिंह की एकमात्र गर्जना से उन ग्रहों पर ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहे। यदि उनके मध्य संघर्ष हुआ तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कैसा अनर्थ हो रहा है ये? महादेव और स्वामी का ये परस्पर संघर्ष सर्वथा अनुचित है। ऐसा सर्वनाश होने जा रहा है। अनिष्ट, घोर अनिष्ट होगा। यदि उनकी ऊर्जाओं में परस्पर स्पर्श भी हुआ तो समस्त सृष्टि एक महाविस्फोट के साथ नष्ट हो जाएगी। सब कुछ अंधकार में विलीन हो जाएगा और अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इन दोनों अवतारों के भीषण टकराव के पश्चात उस विध्वंस से होने वाले महाविनाश की कल्पना भी मुझे व्याकुल कर रही है। Thank you.
की लीला कभी कभी संघर्ष का रूप ले लेती है, किंतु उस संघर्ष के पीछे भी उद्देश्य जगत का कल्याण ही होता है।